हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पवन कुमार। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल फ्लक्स एक्सप्लोर योर नॉलेज। होप आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इससे आप हमारे लेक्चर को मिस नहीं करेंगे और आप पूरे चैप्टर को अच्छे से समझ पाएंगे। तो आज हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 12.2 जो एरिया रिलेटेड टू सर्किल का है, इसके क्वेश्चन नंबर 7 से क्वेश्चन नंबर 10 का डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स एक्सप्लोर। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 जो है, इसमें दिया हुआ है कि कोई एक सर्किल है जिसका रेडियस 6 सेंटीमीटर है और ये 60 डिग्री एंगल बना रहा है सेंटर पे, इसका जो कोण है। तो हमें करस्पोंडिंग सेगमेंट का एरिया फाइंड करना है। करस्पोंडिंग सेगमेंट बोल दिया, इसका मतलब हम माइनर सेगमेंट इसको बोलेंगे। तो यहाँ पर हमें पाई का वैल्यू 3.14 और रूट 3 का वैल्यू 1.73 यूज करना है, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है कि ये एक सर्किल है जिसका सेंटर ओ है, इसका जो रेडियस है ये 6 सेंटीमीटर और इसका ये जो कोण है ये 60 डिग्री का एंगल सेंटर पे बना रहा है। हम इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसका जो ये ट्रायंगल है इसको हम अलग बना लेंगे, क्योंकि हमें क्या करना है, इस वाले सेगमेंट का एरिया फाइंड करना है। तो ये एरिया फाइंड करने के लिए हमें ये जो सेक्टर है ओ ए पी बी, इस सेक्टर में से ओ ए बी ट्रायंगल का एरिया हमें माइनस करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे हमने सबसे पहले ओ ए बी ट्रायंगल को अलग बना लिया है। तो अब हमें इसका एरिया फाइंड करने के लिए हम ओ से ए बी पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे और मान लीजिए इसका नाम मैंने R दिया। और ये क्या करेगा, जैसे ही हम ये परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो ये क्या करेगा, इस एंगल को बाइसेक्ट कर देगा और साथ ही साथ ये AB जो लाइन है इसको भी बाइसेक्ट करेगा। तो AR और RB को X मान लिया और OR को हमने Y मान लिया है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB क्या हो जाएगा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 इंटू बेस, बेस यहां पर है 2x, इंटू हाइट, हाइट क्या है यहां पे y, यानी हमें x और y को फाइंड करना होगा। तो x और y को फाइंड करने के लिए हम इस ट्रायंगल को देख सकते हैं, ट्रायंगल OAR को। तो हम बोलेंगे इन ट्रायंगल OAR हम बोल सकते हैं साइन 30 डिग्री इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, x अपॉन 6, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर जो हो गया 30 डिग्री के लिए x हो गया और हाइपोटेनस हो गया 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं x अपॉन 6, तो यहाँ से x इक्वल टू आ जाएगा 6 sin 30 डिग्री, यानी कि 6 × 1/2 और 2 से ये 3 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो बेस जो आ जाएगा ये आ जाएगा 2x, यानी 2 × 3 यानी 6 सेंटीमीटर। उसी तरीके से अगर हम cos 30 डिग्री की बात करें तो cos 30 डिग्री हो जाएगा कितना, y अपॉन 6 बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं y इक्वल टू हो जाएगा 6 cos 30 डिग्री और हम इसको बोल सकते हैं 6 × √3y2, तो 2 से ये 3 बार में कैंसिल हो जाएगा 6 और ये आ जाएगा 3 √3 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB ये क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB 1/2 × base × height, तो 1/2 और बेस हो गया कितना, बेस हो गया 6 सेंटीमीटर और हाइट जो हो गया वो है वाई, तो वाई हो गया 3√3। तो हम इसको लिख सकते हैं 6 × 3√3, तो 2 से ये 6 3 बार में कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यहाँ पे हम रूट थ्री का वैल्यू जब हम 1.73 पुट करेंगे तो ये कर देंगे 1.73, तो ये आ जाएगा हमारा 15.57 सेंटीमीटर स्क्वायर।
अब हमें एरिया ऑफ सेक्टर भी फाइंड करना पड़ेगा। एरिया ऑफ सेक्टर OAPB, इस सेक्टर का एरिया, OAPB का एरिया ऑफ सेक्टर OAPB कितना हो जाएगा? तो ये एंगल बना रहा है सेंटर पर 60 डिग्री, तो थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई, और आर दिया हुआ है 6, तो 6 × 6 इसको हम बोल सकते हैं। तो ये 60 से 6 बार में ये कैंसिल हो जाएगा, ये 6 कैंसिल हो जाएगा, और इसका वैल्यू आ जाएगा 6 पाई, 6 × 3.14 बोल सकते हैं इसको, और ये आ जाएगा 18.84 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सेगमेंट आ जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ सेगमेंट ये हो जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर कितना है? 18.84, 18.84 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB, ये है 15.57। तो ये हम कर देंगे 15.57। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3.27 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इसमें दिया हुआ है कि कोई एक हॉर्स है जो कि टाइड टू ए पेग एट वन कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर, ये किसी खंभे से इस कॉर्नर में बंधा हुआ है, और ये जो पूरा का पूरा फील्ड है ये घास से भरा हुआ है। यहाँ पर जो ये फील्ड है इसका साइड का लेंथ दिया हुआ है 20 मीटर, और ये जो रस्सी है जिससे ये हॉर्स बंधा हुआ है इसका लेंथ दिया हुआ है 10 मीटर। तो हमें फाइंड करना है द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। तो ये कितना एरिया में ये घोड़ा ये जो घास है वो खाएगा। दूसरा हमें बताना है द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वेयर 15 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 10 मीटर। अगर ये रस्सी 10 मीटर के जगह अगर 15 मीटर लंबी हो जाए तब ये घोड़ा कितना घास खाएगा, ये हमें देखना है। तो चलिए इसको देखते हैं। तो यहाँ पर ये कोई घोड़ा है जो इस फील्ड में है। अब क्या होगा, ये घोड़ा जो है ये इस फील्ड का घास खा रहा है। तो अब क्या है, जैसे ही घोड़ा जो पीछे की तरफ जाने लगेगा तो इसकी रस्सी जो है टाइट होने लगेगी। ये जितना पीछे जा रहा है रस्सी टाइट होते जा रही है। अब यहाँ तक जाने पर इसकी रस्सी जो है एकदम टाइट हो चुकी है, यानी ये जो घोड़ा है ज्यादा से ज्यादा ये वाला जो सेक्टर है यहीं तक घूम सकता है, यानी ये इस वाले सेक्टर का ही घास ये खाएगा। यानी हमें ये वाला जो सेक्टर है इसी का एरिया फाइंड करना है। तो इसका एरिया हम कैसे फाइंड करेंगे? तो यहाँ पर दिया हुआ है, ये रस्सी का जो लेंथ है ये दिया हुआ है 10 मीटर, और यहाँ पर ये जो सेक्टर का एंगल है ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो हमें पता है एरिया ऑफ सेक्टर का जो फॉर्मूला होता है ये होता है थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना हो जाएगा, ये तो 90 डिग्री हो जाएगा, और ये 360 डिग्री 3.14, और आर का वैल्यू है 10 × 10। तो ये 90 से ये 4 बार में कैंसिल होगा, ये 2 से 4 कैंसिल होगा, और ये 5 2 से कैंसिल होगा। यहाँ पे 2 भी 10 को पहले 5 बार में कैंसिल करेगा, और इसके बाद इसका वैल्यू आ जाएगा 78.50 मीटर स्क्वायर, और यही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमें फाइंड करना है इंक्रीज इन एरिया यदि रोप का लेंथ जो है वो 10 सेंटीमीटर से बढ़ाकर 15 सेंटीमीटर कर दिया जाए। तो यहाँ पर पहले ये जो रोप का लेंथ यहाँ तक था 10 सेंटीमीटर था, और अब ये बढ़कर ये 15 सेंटीमीटर हो गया। तो जो एरिया इंक्रीज हो जाएगा वो ये एरिया होगा। तो हमें अब इस एरिया का वैल्यू फाइंड करना है। तो ये एरिया कितना हो जाएगा, तो हम इसका कुछ नाम दे देते हैं। तो इसका नाम मान लीजिए हम दे देते हैं OAB, यहाँ हम P दे देते हैं, यहाँ मान लीजिए CD, और इसको मान लीजिए हम Q दे देते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि इंक्रीज इन एरिया जो होगा वो सेक्टर OCQD में से सेक्टर OAPB का एरिया माइनस करने पर मिलेगा हमें। तो हम लिख सकते हैं इंक्रीज इन
इंक्रीज इन एरिया इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर ओ सी क्यू डी, ओ सी क्यू डी माइनस एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी। तो यहां लिख देंगे हम ओ ए पी बी। तो एरिया ऑफ सेक्टर ओ सी क्यू डी कितना हो जाएगा, हम लिख सकते हैं थीटा, तो 90 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई, ये कितना हो जाएगा ओ सी क्यू डी का 15 का स्क्वायर माइनस 90 डिग्री अपॉन 360 डिग्री पाई इंटू 10 का स्क्वायर। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ये 4 बार में कैंसिल होगा, यहाँ भी ये 4 बार में कैंसिल होगा, और हम कॉमन ले सकते हैं 1/4 इंटू पाई। तो यहाँ बच जाएगा कॉमन, यहाँ रह जाएगा 15 का स्क्वायर और यहाँ रह जाएगा ये 10 का स्क्वायर। तो हम इसको लिख सकते हैं 1/4, पाई की जगह हम क्या लिख सकते हैं 3.14, ये आ जाएगा 225 माइनस 100 और ये आ जाएगा 1/4 इंटू 3.14 इंटू 125। तो इसको सॉल्व करने पर ये आ जाएगा 98.125 मीटर स्क्वायर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें दिया हुआ है कि कोई एक ब्रूच है जो सिल्वर वायर से बना हुआ है और ये सर्किल के फॉर्म में है जिसका डायमीटर 28 मिलीमीटर है और वायर का यूज 5 डायमीटर भी बनाने में किया गया है जो इसको 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो हमें फाइंड करना है टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर और एरिया ऑफ इस सेक्टर ऑफ द ब्रूच। तो यहाँ पर ये डायग्राम दिया हुआ है, तो देखते हैं इसको हम कि कैसे करेंगे। मान लेते ये कोई लंबा सा वायर है यानी सिल्वर वायर है। अब इसके एक टुकड़े को हम ले लेते हैं और इस टुकड़े से हम सर्किल फॉर्म करने लगते हैं, तो ये सर्किल बन गया। अब दूसरा टुकड़ा लेते हैं और इसके कुछ टुकड़े को लेकर हम इसके डायमीटर बनाने लगते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये देखिए कि इसके 5 डायमीटर ये बन गए। तो हमें फाइंड करना इस वायर का लेंथ और ये जो सेक्टर्स है एक सेक्टर का एरिया यानी हर एक सेक्टर का एरिया। तो सबसे पहले हम देखते हैं वायर का लेंथ हम कैसे फाइंड करेंगे। लेंथ ऑफ वायर ये क्या हो जाएगा, ये टोटल ये जो सर्किल है इसका सर्कमफेरेंस हो जाएगा यानी 2 पाई आर प्लस जो 5 डायमीटर यूज हुए हैं तो 5 इंटू डी बोल सकते हैं। तो यहां पर हम ये जो लेंथ ऑफ वायर हो जाएगा यानी ये हो जाएगा 2 इंटू पाई, तो पाई की जगह रख देंगे हम 22/7 और रेडियस जो यहाँ पर दिया हुआ है वो हो जाएगा कितना, तो डायमीटर दिया हुआ है 28 तो रेडियस हो जाएगा 14 प्लस 5 और डायमीटर दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर। तो यहाँ से ये 7 से 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा तो ये हो गया 88 प्लस 140 और दोनों को जब ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 228। यहाँ पर यूनिट जो है वो मिलीमीटर में दिया हुआ है तो ये हो जाएगा मिलीमीटर। अब हमें फाइंड करना है इस सेक्टर का एरिया, तो इस पूरे सर्किल का जो एरिया होगा उसका ये टेंथ पार्ट होगा। चाहे तो हम ये एंगल फाइंड करके भी कर सकते हैं, तो ज्यादा आसान यही है कि ये क्या है कि पूरे सर्किल को ये 10 पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो एक पार्ट का एरिया 1/10 यानी एरिया ऑफ सेक्टर हम डायरेक्ट बोल सकते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू 1/10 इंटू एरिया ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ सर्किल तो 1/10 इंटू पाई 22/7 आर का वैल्यू हो जाएगा 14 इंटू 14। तो ये 7 से 2 टाइम्स में कैंसिल हो गया, ये 2 से ये 5 टाइम्स में कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा जब हम इसको सोल्व करेंगे तो
308/5 यानी 61.6 मिलीमीटर स्क्वायर। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें एक अम्ब्रेला है जिसमें दिया हुआ है कि 8 रिब्स हैं जो कि इक्वली स्पेस्ड हैं, तो हमें फाइंड करना है क्या एरिया बिटवीन टू कंसिक्यूटिव रिब्स। और यहाँ दिया हुआ है, हमें ये एज्यूम करना है कि अम्ब्रेला जो है वो एक फ्लैट सर्किल है जिसका रेडियस 42 सेंटीमीटर है, यानी ये वाला पोर्शन। तो हम इसको कुछ इस तरीके से भी देख सकते हैं, जैसे ये कोई अम्ब्रेला है कि मान लीजिए इस अम्ब्रेला को हम इस तरीके से देखते हैं, इधर का व्यू। तो हमें अम्ब्रेला को एक फ्लैट सर्किल मानना है, तो हमें ये जो है ये दो रिब्स, ये दो जो रिब्स है इनके बीच का हमें एरिया फाइंड करना है, मतलब ये वाला एरिया। रेडियस दिया हुआ है, वो दिया हुआ है कितना, तो वो दिया हुआ है 42 सेंटीमीटर, यानी कि ये जो दिया हुआ है हमें, ये दिया हुआ है 42 सेंटीमीटर। तो अब हमें इसका ये जो सेक्टर है, ये जो एरिया बिटवीन द रिब्स है, यही इसी का एरिया फाइंड करना है, यानी ये सेक्टर का एरिया फाइंड करना है। तो एरिया बिटवीन टू कंसिक्यूटिव रिब्स ये हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्योंकि ये टोटल 8 रिब्स है, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट 1/8 * एरिया ऑफ सर्किल बोल सकते हैं, यानी पाई आर स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, 1/8 * 22/7, और रेडियस दिया हुआ है 42 * 42, ये 7 से 6 टाइम्स में, ये 2 से 3 बार में, ये 2 से 4 बार में कैंसिल होगा, ये 2 से 2 बार में, और ये 21 से 2 बार में कैंसिल होगा, और 2 से 22 11 बार में कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 693 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही आंसर हो जाएगा। तो आज का लेक्चर यहीं तक है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। हमारे आगे के वीडियो को देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आप हमारे फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं, इसके लिए आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। और अगर आप डिस्कशन करना चाहते हैं फिजिक्स और मैथ के रिगार्डिंग, तो आप हमारे फेसबुक ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आप फेसबुक पर जाकर FLUXEYK आप फ्लक्स EYK सर्च कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक भी दे दूंगा, आप उस पर क्लिक करके डायरेक्ट वहां पहुंच सकते हैं। तो आज का लेक्चर देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।